हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज में बलून स्लीव्स बनाने वाले हैं। यह स्लीव्स आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, तो इसके लिए हमने पहले ब्लाउज की कटिंग कर ली है और जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड किया है और फैब्रिक की लंबाई ली है 21 इंच और चौड़ाई ली है 12 इंच। अब हमने जो खुला वाला हिस्सा है वहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाया और जो खुली वाली साइड है वहाँ से हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया है और जो 3 इंच एक्स्ट्रा है वो हमने अंदर की तरफ रखा है और जो 8 इंच पर निशान लगाया था उसके हाफ के वहाँ पर हमने निशान लगाकर गोलाई में स्लीव्स का शेप दिया है और बीच में जो 3 इंच एक्स्ट्रा है उससे हम सल बना लेंगे। स्लीव्स की मोहरे की फिटिंग का निशान 5 इंच पर लगाया है और 5 इंच हमने सल के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे और आप चाहो तो अगर गोलाई में शेप भी दे सकते हो। तो अब हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो स्लीव्स के आगे बेल्ट लगने वाला है उससे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की लंबाई ली है 4 इंच और चौड़ाई ली है 9 इंच। तो यहाँ पर हम बेल्ट में लाइनिंग का फैब्रिक पहले अटैच कर रहे हैं, उसके बाद में बेल्ट को स्लीव से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है और अब हम बेल्ट के सेंटर वाले हिस्से पर कट लगाएंगे और जो स्लीव्स है उसके सेंटर वाले हिस्से पर भी हमने कट लगाया है और दोनों को स्टिच करते हुए स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको हम सल भर के बेल्ट से स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो कि बेल्ट के साइड में हमने जहाँ फिटिंग वाला हिस्सा है वहाँ पर थोड़ी सी सीधी सिलाई लगाई, उसके बाद में हमने सल भरना स्टार्ट किया। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक सल भरने हैं और उसके बाद में जो बेल्ट का सेंटर कट और जो स्लीव्स का सेंटर कट है वो दोनों मिलने चाहिए। उसके बाद में हम वापस आगे की तरफ इसी तरीके से बारीक बारीक सल भरेंगे और फिर लास्ट वाले कॉर्नर पर स्लीव्स और बेल्ट को बराबर रख देंगे और स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि अभी स्लीव्स एक्स्ट्रा है तो हम सल भर रहे हैं और हम देखते रहेंगे कि बेल्ट और स्लीव बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो अब बराबर आने के बाद हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो अब हमारा बेल्ट स्लीव से स्टिच हो गया है, अब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फोल्ड करेंगे तो इसमें सल आएंगे, इसलिए हम इससे पहले बेल्ट को एक बार फोल्ड कर लेंगे जिससे कि जब हम बेल्ट को स्लीव्स के ऊपर फोल्ड करेंगे तो बेल्ट फिनिशिंग से फोल्ड होगा। तो अब हमने एक बार बेल्ट को फोल्ड कर लिया है, अब हम बेल्ट को स्लीव्स के ऊपर फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे जिससे कि स्लीव्स की ऊपर वाली साइड पर फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हो कि हम ऊपर से एक जैसी सिलाई बेल्ट के ऊपर लगा रहे हैं। तो अब बेल्ट हमारा स्लीव से स्टिच हो चुका है, अब हम स्लीव्स को ब्लाउज से स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हमने जो ब्लाउज तैयार किया है वो वाला हिस्सा लेंगे और जो ब्लाउज के सेंटर वाला हिस्सा है हम इस बार स्लीव्स को वहाँ से स्टिच नहीं करेंगे बल्कि साइड से स्टिच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा हिस्सा है उससे सल में लेना है। तो आप जानते ही हो कि स्लीव्स हमारी जो ब्लाउज का हिस्सा है उससे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर साइड से स्टिच करते हुए जो स्लीव्स का सेंटर वाला हिस्सा है उसे हम ब्लाउज के सेंटर वाले हिस्से के बराबर मिलाते हुए सल से एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड में ज़्यादा सल नहीं आएंगे जितने सल नीचे आए हैं। तो यहाँ पर 4-5 सल इस साइड में आए हैं और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी 4-5 सल आ जाएंगे और उसके बाद में हम स्लीव्स को ब्लाउज से स्टिच कर देंगे। तो दोनों तरफ सल भरने के बाद हम देख लेंगे कि स्लीव्स ब्लाउज के बराबर आ रही है
और उसके बाद में हम इसे स्टिच कर देंगे। तो आप याद रखिएगा कि स्लीव्स ब्लाउज के बराबर आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप सल भरने के चक्कर में स्लीव्स को ब्लाउज से छोटी कर दो। तो आप देख सकते हो कि हमारी स्लीव्स बिल्कुल बराबर आई है। तो अब हमारी स्लीव्स भी ब्लाउज से स्टिच हो चुकी है और फिटिंग लगाने के बाद हमारी स्लीव्स कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।